आज की हमारी रेसिपी है ढाबा स्टाइल इंस्टेंट चिकन ग्रेवी, जो आप विद इन 10 मिनट के अंदर बना सकते हो। बहुत ही फास्ट बनती है, इंस्टेंट एकदम, और टेस्ट वाइज एकदम यम। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओम साई कुकिंग क्लासेस एंड दिस इज सीमा गवारे पाटिल फ्रॉम नासिक। नासिक में हम कुकिंग क्लासेस लेते हैं, लेकिन उसके साथ ऑल ओवर वर्ल्ड हम देते हैं 65 प्लस ऑनलाइन कुकिंग क्लासेस, जिसमें वेज नॉन वेज दोनों ही है। अगर आपको हमारे किसी भी ऑनलाइन कुकिंग क्लास में इंटरेस्ट है तो या तो आप नंबर डायल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए 9325294757 या 9850746889। दोनों ही नंबर डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। आज की जो हमारी रेसिपी है, ये ऐसे चुटकी में बनने वाला चिकन है, इंस्टेंट चिकन ग्रेवी। अब लॉकडाउन की वजह से सबके घर में मेड्स नहीं है, इतने काम बढ़ गए हैं ना कि अगर आप बच्चों को चिकन तो खाना है, लेकिन माँ को भी तो टाइम चाहिए बनाने के लिए। मैं ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ कि आपको बहुत फास्ट आप चिकन बना सकते हो, वो भी ढाबा स्टाइल। तो मैं पहले आपको इंग्रेडिएंट दिखाती हूँ। मसाले में आपको लगेगा 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबलस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1/2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, लाल मिर्ची आप आपके स्वाद के अनुसार डालिए, 2 से 2.5 टेबलस्पून मैंने चिकन मसाला लिया है, 10-12 मैंने काजू लिए हैं, 1.5 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2-3 हरी मिर्ची, 1/3 कप दही, और ये है ना मेरे घर में पड़ा ही रहता है, ये है फ्राइड अनियन जो हम बिरयानी के ऊपर डालते हैं, वो मैंने लिया है 1 कप। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप क्या करोगे, प्याज को स्लाइस करोगे और कढ़ाई में थोड़ा तेल डाल के भून लेना, वैसे करके लोगे तो भी चलेगा। आपको लेने हैं 2 प्याज, ओके। उसके बाद आपको 1 कप लगेगा धनिया, खड़े मसाले में दालचीनी 1, तेजपत्ता 1 और 4 से 5 मैंने लिया है हरी इलायची, ओके। अब आपका जो क्वेश्चन हमेशा रहता है, मैडम मसाले का ब्रांड कौन सा, जो मैंने चिकन मसाला यूज किया ये है पवार बंधु का, ओके। ये नासिक का ब्रांड है, लेकिन ये एक्सपोर्ट करते हैं आई थिंक। ये बहुत अच्छा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपके पास आपके घर का भी मसाला हो तो भी चलेगा, दूसरे ब्रांड का हो तो भी चलेगा। हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। ये बहुत ही फटाफट से बनने वाली रेसिपी है, क्योंकि अभी हमें टाइम नहीं है इतना कि बहुत सारी प्रिपरेशन रहते हैं, काम रहते हैं। ये प्याज का आपको समझाना, या तो आप फ्राइड अनियन लोगे तो आप लोगे ओके 1 कप, अगर आपके पास फ्राइड अनियन नहीं है तो 2 बड़े प्याज को आप लंबा स्लाइस करोगे, तवे में या कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालोगे और उसको फ्राई कर लोगे। अब मैं क्या करूंगी, ये जो प्याज है ये मैंने इसमें डाल दिया, और ये जितनी भी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की है सारी की सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, ओके। ये मैंने प्याज डाल दिया, उसके बाद मैं धनिया इसमें ज्यादा डालती हूँ, ये मैंने 1 कप है ना धनिया डाल दिया, ओके। पहले मैं क्या करूंगी, इन दोनों चीजों को पीस लूंगी। पहले मैं प्याज धनिया को बिना पानी के एक बार घुमा लेती हूँ, ओके। मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था। अब हम क्या करेंगे, इसमें जितने भी सूखे मसाले हैं ना वो सब डाल देंगे। ये मैंने डाला धनिया पाउडर, उसके बाद गरम मसाला डाल दिया मैंने, हल्दी पाउडर डाल दी, रेड चिली पाउडर डाल दी, सारे गरम मसाले, ये चिकन मसाला आप कोई भी ले सकते हो, 2.5 टेबल स्पून डाल दिया, 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर गया। मतलब मैंने क्या किया, जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट है ना वो डाल के अब मैं पीस रही हूँ। ये मैंने काजू डाल दिया, ये मैंने दालचीनी का 1 टुकड़ा, तेजपत्ता और 4-5 हरी इलायची ये डाल दी, बिना पानी के मैं अब इसको ग्राइंड कर रही हूँ। ये एकदम है ढाबा स्टाइल टेस्ट देने वाली है करी, ये ढाबा स्टाइल चिकन करी है। अब ये देखिए ये पूरा ड्राई हो गया अच्छे से। अब हम क्या करेंगे, इसमें लिक्विड इंग्रेडिएंट डालेंगे। ये मैंने डाल दिया दही, इसके बाद मैंने ये डाली जिंजर गार्लिक पेस्ट, और मैंने डाल दी हरी मिर्ची। अब हम इसे पीस लेंगे, और अगर आपको अब लगे कि पानी कम है तो थोड़ा सा पानी डाल के पीस सकते हो, लेकिन एकदम फाइन पेस्ट, ये याद रखना है, पेस्ट आपको एकदम फाइन करनी है। क्या खुशबू आ रही है इसमें से, बहुत और बहुत टेस्टी बनती है। ये मैंने कर लिया ग्राइंड, अब हम इसको भून लेंगे। अब मैं ना कढ़ाई में डाल रही हूँ तेल। अब
एक्चुअली क्या बताया कि मुझे बहुत लेंदी वाली प्रोसीजर वाली जमता ही नहीं है, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं रहता है कि बहुत खेलते बैठे हुए फिर ग्रेवी बनाए। सो हमेशा मैं ट्राई करती हूँ कि फटाफट बने, लेकिन टेस्ट में कॉम्प्रोमाइज ना हो। अगर आप इसका टेस्ट देखोगे तो आप बोलोगे मैडम क्या टेस्ट था, बढ़िया, फटाफट भी बन गया और टेस्ट वाइज भी बहुत औसम है। अब आपको काम कैसे करना है, अब मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने चिकन को बॉईल करके रखा है। मैं जनरली जब काम करती हूँ घर में तो मैं क्या करती हूँ, इधर चिकन को कुक कर लेती हूँ और जब तक इसकी सीटी हो रही है तब तक मैं मसाले को फ्राई भी करती हूँ। मतलब बाय द टाइम मसाला फ्राई होता है ये कुक हो जाता है और फिर आपको दोनों को मिक्स करना है, बस इतना ही रहता है। सो मैंने तेल डाल दिया है, अब हम मसाले को भूनेंगे, लेकिन चिकन को कैसे पकाना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। सो तेल गर्म हो गया है तो मैं ये जो पेस्ट है ना इसमें डाल के भून लेती हूँ। अब है ना इसमें आपको बहुत देर भी ऐसा फ्राई करना नहीं है, क्योंकि देखिए अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी इसमें इसमें जो हमने प्याज डाला है ना वो ऑलरेडी भुना हुआ है। ओके, सो आपको ऐसा भी नहीं कि बहुत 10-15 मिनट आपको भूनोगे तो ही होगा, लेकिन ऑफकोर्स आप इसे तब तक भूनिए जब तक तेल अच्छे से साइड से छूट जाए। ओके, अब मैं आपको दिखाती हूँ आपको चिकन को कैसे पकाना है। सो ये मैंने चिकन को कुक करके रखा है। अब इसको मैंने कुक कैसे किया है, थोड़ा सा आपको लेना है तेल, उसमें 1/2 टेबल स्पून पकड़ के चलो मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला, उसको थोड़ा सा फ्राई किया। फिर मैंने इधर 750 ग्राम चिकन लिया है, पौन किलो 750 ग्राम चिकन डाला, इसमें नमक डाला, हल्दी डाली, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डाला, उसको थोड़ा सा फ्राई किया, पानी डाला, नमक डाल के इसको 2 सीटी मार ली। ओके, सो ये आपका चिकन हो गया है कुक। तो मैंने टोटल 750 ग्राम चिकन यूज किया है इसमें। सो ये जब तक भून रहा मैं ये बता दूं कि आज लकी विनर का नाम आने वाला है, तो बीच में कहीं तो भी मैं कर लूंगी, जहां मैं मुझे काम कम करना पड़े वहां मैं लास्ट वीक का जो लकी विनर है उसका नाम अनाउंस करूंगी। सो जो भी लकी विनर रहेगा आपको करना क्या है, कमेंट बॉक्स में जहां हम लोग डालेंगे कॉन्ग्रेचुलेशन आज के इसमें, या आपने जहां कमेंट डाली होगी आप सिर्फ आपका फोन नंबर डाल देना कि मैम मेरा फोन नंबर ये है, और उसके बाद आप हमें कॉल करके बोलना कि मैम मैं आज का लकी विनर हूं, और उसके बाद हमसे आप लोगे आपकी चॉइस का कोई भी ऑनलाइन क्लास फ्री, टोटली फ्री। ओके, सो अभी मैं एक लकी विनर का नाम अनाउंस करूंगी, लेकिन उसको 5 मिनट बाकी है जब तक हम अपनी ग्रेवी को खत्म करते हैं। तो पहले अब हम ये पानी इसमें डाल देंगे। ओके, अब आपको ये ग्रेवी को कितना थिक करना है ना टोटली आपके ऊपर है। जनरली जो ढाबे में ग्रेवी रहती है वो थोड़ी थिक साइड में ही रहती है, लेकिन आप इसे थोड़ा पतला भी बना सकते हो। ओके, अब मैं इसमें डाल दूं चिकन के पीसेस। सो मैं अभी सारे चिकन के पीसेस इसमें डाल देती हूँ। सो अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ। क्या जो खुशबू आ रही है ना मैं बता नहीं सकती। इसमें हम डालेंगे कटा धनिया, थोड़ा सा नमक। विदाउट फेल ये डिश बनाई है, आपके जो घर वाले ना एकदम खुश हो जाएंगे, बोलेंगे जरूरत ही नहीं बाहर रेस्टोरेंट जाके खाने की, अगर आप रोज रोज इतना अच्छा खाना उन्हें घर पे दे। अब आपको क्या करना है, गैस को कम करना है, इस पे ढक्कन मत रखना, और गैस को कम करके ना 5 से 6 मिनट इसको ऐसे कुक होने देना ताकि जो मसाले है ना वो चिकन के साथ बहुत बढ़िया से कुक हो जाए, और फिर हम इसको गार्निश करेंगे, करेंगे डिश आउट, और हम लोग तो खाने वाले हैं। आप कब बना के खाओगे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना आपको रेसिपी कैसी लगी, और आप नेक्स्ट रेसिपी कौन सा देखना चाहते हैं। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना ना भूले। तो चलते हैं अपने लकी विनर की तरफ। सो हमारा लकी विनर इसमें से निकलने वाला है, और जो नेक्स्ट वीक का क्वेश्चन आएगा वो कल के इसमें आएगा, कल जो क्लास होगा उसमें नेक्स्ट वीक के लिए क्वेश्चन आएगा, उसका आपको कमेंट करना, फिर उसमें से भी एक लकी विनर निकलेगा। नाम क्या है, ये किसने लिखा था, जया जयू डोयल, जस्ट अ मिनट में चेक कर लेती हूँ पहले स्पेलिंग बराबर है क्या। एक
सो ये नाम है जयू डोयल, पहले मुझे गोयल लगा इसलिए मैंने बोला। सो ये जिनका भी नाम है जयू डोयल, ओके आप स्पेलिंग चेक कर लीजिए, आप हमें कांटेक्ट करोगे और आप हमारा फ्री ऑनलाइन क्लास हमसे कलेक्ट करोगे। सो कॉन्ग्रेचुलेशन मैम जो भी है। तो अब मैं रेसिपी डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। सो देखिए कितनी अच्छी तरी ऊपर आ गई है। सो अब हम इसमें डाल देंगे कटा धनिया और ये हो गई हमारी ढाबा स्टाइल चिकन ग्रेवी रेडी। मैंने रेसिपी को कर दिया है डिश आउट, आप इसका कलर देखिए बहुत ही बढ़िया लगती है, टेस्टी लगती है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में डालिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और नेक्स्ट रेसिपी आप कौन सी देखना चाहोगे।